बात करते हुए पैदल राहगीरों से मोबाइल फोन लूटने वाले 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया कि खोराबार और राजघाट पुलिस के संयुक्त प्रयास से खोराबार थाना अंतर्गत महेवा निवासी संदीप निषाद पुत्र राजकुमार निषाद को ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया अभियुक्त 25,000 का इनामी बदमाश है। ये लूट सहित अन्य आपराधिक मामलों में शामिल है। इसके खिलाफ खोराबार थाने में आपराधिक मुकदमा भी दर्ज है। इसका अपने इलाके में काफी दबंगई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। यशो राजघाट और क्राइम ब्रांच के संयुक्त प्रयास से आज 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी संदीप निषाद पकड़ा गया है और यह एक लूट की घटना में वांछित था। इसके दो साथियों ने इसके साथ मिलकर घटना किया था और आश्चर्यजनक तरीके से पूछताछ के बाद इससे अन्य भी कई घटनाओं का अनावरण हुआ है। ये काफ़ी शातिर अपराधी है और इसके क्षेत्र में इसका काफ़ी आतंक और व्यापार था। ये लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मोबाइल और चेन लूटा करते थे। फिलहाल जब ये घटना प्रकाश में आई थी तो इसे क्रिमिनल हिस्ट्री एक थी, लेकिन बाद में पकड़े जाने के बाद इनसे अब तमाम घटनाओं का अनावरण हो गया और इसने तमाम घटनाओं को स्वीकार किया अपने साथ। कितने मुकदमे दर्ज हैं इसके ऊपर? अभी तक इसके ऊपर 2 मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस मुठभेड़ का, एक लूट का। लेकिन आज की गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ के बाद कई घटनाएं प्रकाश में आई जो इसने अपने साथियों के साथ अंजाम दिया। और नहीं, उसके 2 साथी हैं जो वर्तमान में जेल में हैं।